अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनेट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये फैसला जो है, ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। The Supreme Court on July 23rd refused to cancel the NEET book 2024 and declined the petitions to reconduct exams. The apex court stated that there was no systemic breach in the exam and conducting re-NEET will have big consequences. Following SC's verdict, petitioners expressed dismay over the decision and said it's heartbreaking. बात समझ नहीं आई। आज माननीय CGI साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनिट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर CGI साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि हम लोग 8 तारीख से CGI साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उनने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और CGI साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है, ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। तो आज जो जजमेंट आया है वो बेशक रीनीट के ख़िलाफ़ आया है कि स्टूडेंट्स को ई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ख़िलाफ़। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है रीनीट कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो रीनीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे। तो अभी जो CBI ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है, उसमें एक चीज़ जो CBI ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी अक्यूज्ड को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं, तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुँचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही CBI ने आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है CBI, उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है। मगर आज जो हमारे सामने बातें आई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो दो किस्म के स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट वही अक्यूज़र्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि NTA अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या दो दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है, मगर उसके बाद जो है बाद के जो सेकेंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्ज़ाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो NTA छुपाना चाह रहा है। काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट
को एहतराम करते हैं और उनका जो जजमेंट है उनको उस चीज को जो है एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है, अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि ये गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो The order of the Apex Court came on a batch of pleas seeking direction to recall NEET UP 2024 results alleging paper leakage and malpractices. However, Apex Court acknowledged the fact that the leak of the NEET UP paper took place at Hazaribagh in Patna. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.